हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोग्राफी स्टूडियो। मेरा नाम है विजय और आज हम लोग बात करेंगे सफ़ेद बालों के ऊपर, सफ़ेद बालों की परेशानी। पहली बार मैंने देखा कि एक नौजवान भी, छोटे बच्चे भी सफ़ेद बालों को लेकर बड़े परेशान हैं। तो सफ़ेद बालों से गाइस वो लोग भी परेशान हैं जिनके सफ़ेद बाल हैं, और वो लोग भी परेशान हैं जिनको सफ़ेद बाल बनाने पड़ते हैं। सफ़ेद बाल वाले लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने बाल ब्लैक करके रखें, बड़ी मुश्किल होती है उनको ड्रॉ करने में। आप लोग समझें, आर्टिस्ट का दुख दर्द समझें, कितना दुख होता है। इतने समय से मुझे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर सफ़ेद बाल बनाना सिखाओ। और कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा। सफ़ेद बालों को बनाने के लिए आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। सफ़ेद बालों को बनाने के लिए आप लोग ये देखें कि ओवरऑल जो आपकी इमेज है उस इमेज में डार्क शेड्स ज़्यादा हैं या लाइट शेड्स ज़्यादा हैं। अगर तो डार्क शेड ज़्यादा हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ब्लैक पेपर ले लें। ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं, ब्लैक पेपर यानी कि ब्लैक पेस्टल शीट। हर बात पर मजाक अच्छा नहीं लगता, तो पेस्टल शीट ले लें, वो भी ब्लैक। फिर उसके बाद अब उसके ऊपर काम कर सकते हैं वाइट पेंसिल से। वाइट पेंसिल आती है, जैसे वाइट चारकोल आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे इमेज में मेरा जो रेफरेंस वर्क रेफरेंस है वो काफ़ी लाइट शेड है, उसमें ज़्यादातर जो एरियाज हैं काफ़ी लाइट है, काफ़ी ब्राइट है, जैसे कि ये इमेज, तो ऐसे इमेजेस को आप लोगों को वाइट पेपर पे बनाना चाहिए। तो हम लोग आज जो बनाने वाले हैं, आज मुश्किल वाला स्टेप लेने वाले हैं। वैसे तो मैं इस वाले रेफरेंस को चाहूँगा कि ब्लैक पेपर के ऊपर वाइट पेंसिल से बनाया जाए, मगर गाइज आज की डेट में बहुत सारे इरेजर्स अवेलेबल हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करा जाए उसको भी सीखना ज़रूरी है। तो मैं उन सभी टूल्स को यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टूल को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे अच्छे इफ़ेक्ट्स लाए जा सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करते हैं। हम लोग चलते हैं एक ऐसी इमेज को लेके जो कि काफ़ी डार्क है, और उसको हम बनाएंगे वाइट पे। तो वह सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि ये जो शेड हम लगा रहे हैं बालों के लिए लगा रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा करें कि जहाँ जहाँ पे आपको वाइट हेयर बनाने हैं वहाँ पर आप लोग बेस ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट हेयर है, तो बेस को मैं प्रॉपरली शेड कर रहा हूँ उसका, क्योंकि इरेजर वहीं चल पाएगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जो वाइट है वो वहीं आएगा जहाँ पे बेस पे डार्क हो, राइट। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बेस को अच्छे से फिल कर लें, कहाँ पे कितना डार्क है कितना लाइट है उस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और डार्क शेड जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा हो वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें। तो इसमें यहाँ पर मुझे कुछ वाइट लगाना है, तो वाइट के लिए इरेजर चलेगा। आपको ये भी पता होगा कि जहाँ पर डार्कनेस होगी वहीं पर लाइट उतना अच्छा निखर कर आएगा, राइट। तो गाइज ये वाइट इरेजर आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाइट पेंसिल नहीं है, दिस इज इरेजर। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ चारकोल अप्लाई था बट मैं इसको धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, जहाँ पे भी मूछें दिख रही हैं वाइट हेयर की मैं उसको लगा रहा हूँ। तो सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स को आप बहुत पेशेंस से लगाएं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक। ये वाइट इरेजर है, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये इरेजर है, इसको आप शार्प करें। कोहिनूर ब्रांड का एक ये इरेजर आता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क में हल्की हल्की सी लाइट्स चाहिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये। तो देख सकते हैं इससे थोड़ा सा जो खाली एरिया है उस पर टेक्सचर्स को फिल किया जा रहा है। इसमें बाल ज़्यादा हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। कुछ स्ट्रोक्स को आप लाइट रखें, कुछ को कम लाइट रखें, कुछ को ज़्यादा लाइट रखें, राइट। उसके बाद अब हम लोग ये ब्लैक से स्ट्रोक्स को लगा रहे हैं। देखो एक बेस हमने लगाया मिडिल टोन,
उसके ऊपर हमने लाइट से एक वो किया कि लाइट के कुछ बाल बनाएं, फिर बाकी जगहों पर उसके जो बीच का एरिया रह गया उस पर आप लोग ब्लैक से फिल कर सकते हैं। ये मेरे पास चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल मॉरिस की, और उसे सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स को मैं लगा रहा हूँ। और गाइज, आप लोग अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको सिर्फ बालों पे फोकस करके दिखाया है इस वीडियो में, क्योंकि और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें कि आप फुल डिटेल में देख सकते हैं। और अगर फिर भी आप इस वीडियो इसी आर्टवर्क का पूरा वीडियो चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं। तो देखो, बीच बीच में सिंगल स्ट्रोक्स आप लोग ज़रूर लगाएं, और इसको मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है। सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स को डेफिनेटली लगाते जाएं, बट पेशेंस रखें। अभी मैंने लिया है मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो देख सकते हैं। ये भी एक चारकोल ही है, लेकिन चारकोल पेंसिल ये अलग है, थोड़ी सी ठीक है। अब बालों को देखो किस तरीके से लगाना है, एक एक सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स को। यहाँ पे देखो रेफरेंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है तो मैं इस जगह पे इसको काफ़ी पेशेंसली लगा रहा हूँ। आप लोग भी इसको पेशेंस से लगाएं। रैंडम है, आपको ऐसा नहीं है कि सभी बालों को एज इट इज़ बनाने की ज़रूरत है, बट आपको ज़रूरत है उसके एक पैटर्न को समझने की, किस तरह से बालों का फ्लो है, बालों का पैटर्न है। कुछ बालों को आप देख के सेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बनता तो ऐसा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको फॉलो ज़रूर करना है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं मोनो इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे मैं कलर ये जो इरेज़र पेंसिल है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स को काफ़ी प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, कि आप लाइट से डार्क की तरफ पेंसिल चला सकें। आप फिर यहाँ पे एजेस को मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग स्टम्प्स आते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देखो पेपर के ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, जिससे मैं एजेस को जो शुरू हो रहा है जो और जो एंड हो रहा है स्ट्रोक, उसको मैं स्किन से या डार्क टोन से स्मज कर रहा हूँ, राइट। और इसमें भी आप आगे देखते जाएं इसको किस तरीके से हम और आगे इस पर काम करेंगे। तो और थोड़ा सा एरिया है जिसमें टेक्सचर नहीं है, उसको हम टेक्सचर्ड कर दें। बेसिकली लाइन्स चाहिए हमें, काफ़ी सारी स्ट्रोक्स चाहिए। अब देख सकते हो कि पहले इरेजर से काम किया, फिर ब्लेंडिंग स्टेम से काम किया, फिर बीच में कुछ डार्क हेयर हैं तो उसमें हम लोग डार्क स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। और ओवरऑल फील ज़रूर देखते जाएं कि कैसा लुक एंड फील आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका काम करते करते एक जो वॉल्यूम होना चाहिए लाइट एंड शेड का वो मिस हो रहा है, वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, ये जो आर्टवर्क आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हैं, मिथिलेश चौबे। आप लोग इनके काम गूगल पे भी देख सकते हैं, सोल फोटोग्राफर के नाम से ये अपना काम करते हैं। बाकी मिथिलेश चौबे फोटोग्राफिया करके भी इनका पेज है, तो नेशनल अवार्ड विनर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है, इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिल गया ये आर्टवर्क बनाने का, तो इसलिए मैंने इसको ये रेफरेंस चूज़ किया बनाने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखें ये ऐसे बनाते हुए, इसमें जैसे बाल दिख रहे हैं आपको, बालों में थोड़ा सा पेशेंस ही होता है, बट थोड़े स्ट्रोक्स को भी आप लोग ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लगाएं, डार्क और लाइट, बेसिकली इसी का ही सारा गेम है, समझे। तो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें लाइट टू डार्क डायरेक्शन में। मेरी एक और वीडियो है, आप लोग अगर देखेंगे तो मैंने एक बालों के ऊपर एक छोटे से एक लाइव सेशन किया था, तो उस पर आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, वो बेसिकली लाइव सेशन था, तो लाइव सेशन पे मैंने वो उसको करा था, राइट। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो वाइट हेयर है काफ़ी ज़्यादा वाइट हेयर है, तो इसलिए मैंने इसको और काफ़ी क्लोजअप में व्यू लिया है। आप इससे एक एक स्ट्रोक को सिंगली देख सकते हैं। बेस्ट वे यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम आप इरेजर से करें, और इरेज़र मैं कभी मोनो इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कभी ये इरेज़र पेंसिल का।
तो आप लोग भी इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बीच में थोड़े से डार्क टेक्सचर्स चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वाइट हेयर होते हैं तो उसमें सिर्फ वाइट ही होगा। सिर्फ वाइट का मतलब अंडर व्यू कैसा है, तो लेफ्ट का व्यू हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। हे गाइस, आप मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है ये इस तरह के बालों को बनाने में, आपकी क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, प्लीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर होना चाहिए वो भी आप लोग मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी आप लोगों को मैं टूल्स का भी डिटेल बताता हूँ कि हमने जो टूल्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प्स है ये, ब्लेंडिंग स्टम्प्स आप लोग जानते होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास वाइट चारकोल है, प्राइमो वाइट चारकोल। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, मैंने टेक्सचर लगा दिया है बेस पे। अब बेस पे टेक्सचर लगाने के बाद इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोग ध्यान से देखना। इसके भी आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स लगाएं, क्योंकि बेस पे मैंने आप देखा होगा कि मैंने बाल जो बनाए इरेजर से उसके बाद मैंने उनको स्मज कराए। अब स्मज करने के बाद इस और वाइट से आप लोग काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके एक लेयर और ऐड हो जाएगी आपके बालों में, तो बाल जो हैं वो और ज़्यादा डेंस नज़र आने लगेंगे। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स लगाएं अगेन, जैसे पहले हमने लगाया था वैसे ही ठीक सिंगल स्ट्रोक्स का और इंक्रीमेंट करें। थोड़ा सा बालों को फोकस करके चलें, बालों को देखें कि किस तरीके से बाल जा रहे हैं और कहाँ पे ज़्यादा बाल हैं वहाँ पे ज़्यादा आपको लाइट शेड नज़र आएगा, कहाँ पे डार्क है तो वहाँ पे जो लाइट पेंसिल है उसको ऑब्वियसली आपको कम चलाना होगा। और जो बीयर्ड के में एक सिंगल बाल देखेंगे तो काफ़ी मुड़े हुए होते हैं, राइट, लाइक मैगी आप लोगों को पता ही होगा, तो मैगी की तरह होते हैं। अब देखो इस तरफ के जो हेयर हैं यहाँ पे मैं सिर्फ एक शाइन लगा रहा हूँ। आप लोग देखोगे कि एक बाल की कॉन्टिन्यूएशन है, कॉन्टिन्यूएशन में मैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग बाल था डार्क में था लेकिन उसके सिर्फ बीचों बीच में स्ट्रोक को लगा रहा हूँ। शुरुआत एक स्ट्रोक की हो रही है लाइट से, फिर बीच में जाके वो जो स्ट्रोक है उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा लाइट हो जाता है और एंड स्ट्रोक का होते होते वो आपको फिर से लाइट में मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। तो इससे क्या है कि बालों की शाइनिंग प्लस सिंगल जो बाल हैं उसका एक वॉल्यूम आप लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो कुछ बालों पर आपको ऐसा फोकस करना है, एक एक बालों को आप लोग इस तरीके से बना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल नहीं है लेकिन ऐसा करने से डिटेल बहुत अच्छी नज़र आती है, यकीन माने। तो आप लोग भी इसको इस तरीके से करके देखें, कुछ बालों पे आपको डिटेल देने की ज़रूरत है, सभी पे नहीं। आप लोग पीछे देख सकते हैं, आई नो इसमें देखो टाइम तो लगेगा, टाइम थोड़ा लगेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें कितना समय लगा सिर्फ इस बियर्ड को करने में, क्योंकि मैं शूट कर रहा था, बीच बीच में कैमरा एंगल भी चेंज करना होता है, लेंसेज भी चेंज कई बार करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को 1 आवर का समय लगा पूरा इस जो अभी लास्ट में आप देख पा रहे हैं उसको। थोड़ा सा पार्ट मैंने पहले ही कर दिया था, राइट।
तो देखो गाइज, इसमें मैंने ये तीन तरह की पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जो कि दो तो ब्लैक चारकोल है और एक वाइट चारकोल है, ऊपर मॉरिस और ये दो इरेजर हैं, राइट, मोनो इरेजर, इरेजर पेंसिल, मॉरिस की सॉफ्ट चारकोल, फिर उसके बाद है प्राइमो का ब्लैक चारकोल, काफ़ी थिक है, और उसके बाद फिर प्राइमो का वाइट चारकोल। अब यहाँ पे इरेजर से मैं काम कर रहा हूँ, इरेजर पेंसिल से हल्के हल्के से स्ट्रोक्स। अगर आप लोगों के पास इरेजर पेंसिल नहीं है तो गाइज यकीन मानो आप लोग नॉर्मल इरेजर को भी कट करके काम कर सकते हैं। आप लोग इस पे मत पूरा पूरा डिपेंडेंट हो जाएं कि यार मेरे पास तो इरेजर पेंसिल है ही नहीं तो अब मैं बालों को नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है। बिना इरेजर पेंसिल के भी आप लोग बाल बना सकते हैं, बट आपके पास अगर इरेजर पेंसिल है तो आप लोग उसका इस तरीके से करके अपना टाइम बचा सकते हैं। बेसिकली इरेजर से आपको बस बार बार उसको कट करके शार्प एज करना पड़ता है, और उसको चलाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए कि उसको किस तरीके से चलाना है, क्योंकि फ्लैट होता है वो। अब यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे, इसमें भी सिंपल, आप देखो काफ़ी क्लोजअप से मैंने आपको व्यू दिखाया है कि स्टार्टिंग और एंड जो होगा एक उस वाइट के स्ट्रोक का वो लाइट होगा, लाइट और थिन होगा। लाइट का मतलब प्रेशर वाला लाइट, कम प्रेशर के साथ, बीच में आपका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर टोन की बात करें तो शुरुआत डार्क टोन से, फिर लाइट टोन, फिर डार्क टोन, राइट। इससे कुछ बालों को और बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, उसमें जो सबसे ऊपर की तरफ लाइट आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स वो लाइट से, लाइट के कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से उस पर लाइट पड़ रही है। तो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें, इस तरीके से चीज़ों को देखें, तो डेफिनेटली आपको बाल बनाते हुए थोड़ा सा बेटर फील होगा। आपको मुश्किल लगती होगी, हो सकता है बालों को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं तो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं, तो आप लोगों को पेशेंस तो बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। आप थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स को लगाते चलें। देखो और भी तरीके हैं, मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में और भी तरीकों से रूबरू कराऊँगा कि और तरीकों को कैसे इस्तेमाल करें। कई लोग इंडेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी शॉर्टकट वे है, वो भी बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वाले मेथड को ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बट ट्राई ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना पा रहे हैं, आप लोग भी बना पाएंगे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए, राइट। तो ये आर्टवर्क हमारा यहाँ पर कम्प्लीट है, और ऑल्दो इसमें थोड़ा सा और काम भी हो सकता है, और आर्टवर्क में जितना ज़्यादा काम करें उतना ही कम लगता है, क्योंकि जितना रियलिस्टिक आप अप्रोच चाहते हैं उतना ही टाइम देते जाएं, उतना ही पेशेंसली काम करते जाएं, तो उतना ही रियलिस्टिक अप्रोच आता जाएगा। ऑल्दो इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक हो सकता है, बट समय लगेगा। तो आप लोग बताना कि मुझे आप लोगों को ये टेक्निक कितनी क्लियर हुई, और आप लोगों को कहाँ डाउट हुआ। आप लोग अपने आर्टवर्क भी मुझसे शेयर कर सकते हैं बालों को बनाते हुए, और अगर आप में से कुछ लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरी वीडियो भी आप लोगों तक लेकर आऊँगा, या शुरू का पार्ट भी आप लोगों को अलग से दिखा सकता हूँ। अब आप देख सकते हो बीच बीच में मैं इसके टेक्स्चर्स को थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ, कि बीच में जो और टेक्सचर्स ऐड हो जाएं और टेक्सचर्स दिखने लगे, बाल और थोड़े घने दिखने के लिए। लेकिन प्रेशर को ज़रूर माइंड में रखें, बहुत ज़्यादा अगर वाइट पेंसिल को प्रेस करेंगे तो लाइट निकल के आएगी उसमें, तो उतनी लाइट हमें चाहिए नहीं। जो सबसे ज़्यादा लाइट है वो हमने उस चारकोल से निकाला है, तो देख सकते हो आप इसकी डिटेलिंग, ये है एंड रिजल्ट। और एक वाइडर व्यू देखते हैं, ये है वाइडर व्यू, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, सफ़ेद बालों से आपको छुटकारा मिला कि नहीं मिला, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और देखते रहें, तो इस चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बटन, क्या बोलते हैं वो ज़रूर दबा देना, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ आप इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, फाइन आर्ट सीखना चाहते हैं।
तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करें। थैंक यू।